नमस्ते बच्चों। तो मेरे ख्याल से अभी पढ़ाई थोड़ा आप लोगों का स्लो चल रहा होगा। नवरात्रि का ये जो पीरियड है, आप लोग बहुत खेलकूद मौज मस्ती में टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है, उस बीच में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। आज मैं आप लोगों को जो फ्रैक्शन का कंपेरिजन समझाया था, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, आज मैं आप लोगों को डेसिमल नंबर्स जो है उनका कंपैरिजन समझाने जा रहा हूं। ठीक है, तो कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो डेसिमल्स का कंपैरिजन हर तरह का मैं डेसिमल नंबर अभी लूंगा। ठीक है, एक होल एंड डेसिमल, दूसरा पूरा डेसिमल नंबर। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझ में आ जाएगा। सपोज एक नंबर है 0.92, दूसरा नंबर है 1.85, तीसरा है 0.9, चौथा है 0.01 और फिफ्थ वाला है 2.65। तो अभी मैं इन सबको कंपेयर करूंगा। कंपेयर करूंगा मतलब कौन किससे बड़ा है। सपोज मैं अरेंजमेंट करूंगा, ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा। तो लास्ट डे जो वीडियो मैं अपलोड किया था, बहुत सारे बच्चे जो मेरा वीडियो है वो पूरा नहीं देखते, आधा देखते हैं। जब आधा देखेंगे तो आधा ही समझ में आएगा, पूरा तो कभी नहीं आने वाला। मैं उस वीडियो में एक मिस्टेक किया था, जो रील बना के मैं भेजा था, वहां पर मिस्टेक कौन सा था वो वाला पता करना था। कोई भी बच्चा अच्छे से मतलब सेटिस्फाइड रिप्लाई मुझे नहीं दे सके, तो उसमें मिस्टेक ये था, जब मैं एसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा था तो स्मॉलर टू ग्रेटर, लेस देन का साइन दिया था मैं, लेकिन जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा उस फ्रैक्शन को तो लेस देन का साइन दे दिया था। लेकिन वहां पे लेस देन देना चाहिए था क्या? नहीं, वहां पे ग्रेटर देन देना चाहिए था। सपोज वहां पे लिखा था मैं क्या, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो साइन दिया था 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, 4 इज लेस देन 5। यह है एसेंडिंग ऑर्डर। जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे रखूंगा तो 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन यहां पे क्या लेस देन दूंगा, यह गलत हो जाएगा। यहां पे 5 इज इस तरह से ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाला मिस्टेक मैं वहां पे किया था। तो जो भी मैं समझा रहा हूं पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे मिस्टेक करता हूं अंदर, छोटा सा इसलिए मिस्टेक करता हूं, उसके बाद मैं उसे रेक्टिफाई करता हूं, आप लोगों को समझाता हूं, ताकि मुझे पता चले आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसे मैं अभी साफ कर देता हूं। तो देखिए, डेसिमल को अच्छे से, बहुत आसान है, पहले मैं इसे एसेंडिंग ऑर्डर में रखूंगा, एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इन डेसिमल्स को एसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए पहला रूल याद रखिए, हमेशा जो डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट है, डेसिमल पॉइंट से पहले, ठीक है, ये वाला 0, 0, बाकी सब तो 0 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसे वैल्यूज के हिसाब से रखिए, वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सपोज ये वाला वंस प्लेस में है, ठीक है, ये वाला जब मैं लास्ट क्लास मैथ का क्लास लिया था प्लेस वैल्यू, ठीक है, तो डेसिमल नंबर का भी समझाया था, 1/10, 100th, 1000, यह टेंथ प्लेस, टेंथ, 10 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट, यह 100th प्लेस, मतलब 100 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट होगा, ये 5 वाला जो है वो वाला छोड़िए। यहां पे देखिए वंस, सबसे बड़ा वाला, ये वाला नंबर पहले रखेंगे, ये सबसे बड़ा है, मतलब 1.85, 2.65, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज करना है, क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, कितना हुआ, ये हो गया 265, ये हो गया 185, हम इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिनके होल नंबर कुछ नहीं है, होल नंबर 0 है, ठीक है, उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे, ये सब छोटे नंबर्स हैं, अभी हमें बड़े नंबर्स का पता करना है। सपोज यहां पे 265 है, अगर पॉइंट हटा दिया, यहां पे अगर पॉइंट हटा दिया तो 185 है, तो क्लियरली 265 इज ग्रेटर देन 185। तो यहां पे हम इस तरह से लिखेंगे, लास्ट 265 इज
185 इज लेस देन 265, इस तरह से, क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, डिसेंडिंग में लिखता तो 265 इज ग्रेटर देन 185 करता, ठीक है। इन दोनों को यहीं पर रुकने देते हैं, बाकी बचा एक दो तीन, इन तीन नंबर्स को पहले हमें पता करना है डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं, और जितने मैक्सिमम डिजिट्स हैं वो वाला पता करना है। यहां पे दो हैं, यहां पे एक है, यहां पे दो हैं, तो दो है सबसे ज्यादा वाला प्लेसेस, सबसे ज्यादा प्लेसेस, यहां पे दो प्लेस है, यहां पे तो एक है, यहां पे दो है, तो इस एक को भी हमें दो करना पड़ेगा, अभी दो करना पड़ेगा, ये वाला चीज याद रखिए। तो डेसिमल पॉइंट के बाद दो करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो जीरो हम लिख सकते हैं, उसका वैल्यू सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिए, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक नंबर लिखा गया है, यहां पे नाइन है, तो उसके बाद मैं एक के बजाय यहां पे 100 भी लिख सकता हूं, तो वैल्यू कितना होगा, वही 0.9 होगा। एक जीरो लगाऊं, दो जीरो लगाऊं, तीन जीरो लगाऊं, या फिर इन्फिनिटी जीरोज लगाऊं, ऐड कर दूं, इसका वैल्यू वही 0.9 ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। तो अभी देखिए, दो दो प्लस हमें करना है, तो इसे अगर दो प्लस करूंगा, पॉइंट को हटा दूंगा, मैं अभी पॉइंट को हटा दूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो था मैं दे दिया, ये अभी पॉइंट को हटा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे लिखता हूं, ये हो जाएगा 92, ये वाला हो जाएगा 90, ये वाला हो जाएगा कितना, ये तो दो डिजिट है, ये वाला कितना हो जाएगा, कितना होगा 01, या फिर कितना होगा 1, ठीक है, ये वाला 1 हो जाएगा। लेकिन जब अगर यहां पे 0.1 होता, 0 होता, ऐसे लिखते तो यहां पे ये 10 होता, लेकिन यहां पे ये 1 होगा, क्योंकि यहां पे दो डिजिट 1/10 के जगह पे 0 है, ठीक है, टेंथ के जगह पे 0 है, 100 के जगह पे 1 है, इसलिए यहां पे मैं 1 ही लिखूंगा, इसे साफ कर देता हूं मैं। अभी तीन नंबर हमें पता चल गया, एक दो एंड तीन, 92 91, क्लियरली ये 1 सबसे छोटा है, इसके बाद आएगा 90, उसके बाद आएगा 92, तो फिर सबसे छोटा वाला नंबर कौन होगा, ये वाला होगा। सपोज मैं यहां पे पॉइंट दे देता हूं, ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा, 1 मतलब कौन, 0.01, तो 0.01 ये वाला सबसे छोटा है, इसके वैल्यू के हिसाब से इसे मैं सजा के रख दूंगा, मतलब ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये वाला होगा, इससे बड़ा ये वाला होगा, मतलब ये सबसे छोटा है, ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा, तो लेस देन होगा, उसके बाद 90 वाला, ये वाला 0.90, ये वाला इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसके बाद आएगा 92 वाला, ये वाला 0.92, इससे थोड़ा बड़ा है 0.92, इसके बाद इससे बड़ा होगा कौन, ये वाला 1.18.5 2.65, तो समझ में आ गया होगा, पसीना तो बहुत आ रहा है, तो इस रूम में थोड़ा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए पसीना बहुत आ रहा है, ठीक है। सॉरी, यहां पे 1.85 है, मैं यहां पे 18.5 लिख दिया, ठीक है, यहां पे 1.85 है, 2.65, ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अभी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें ऐसे लिखना होता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब 2.65 इज ग्रेटर देन 1.85 इज ग्रेटर देन 0.92, 0.92 which is greater than 0.90 and 90 is greater than 0.01, समझ में आ गया अभी। तो यही प्रोसेस है, सबको डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ प्लेसेस रखने हैं, अगर सेम नहीं हो रहा है तो जीरो ऐड करके उसे सेम कर, सबसे ज्यादा कौन सा प्लेसेस है, सबसे ज्यादा टू डिजिट वाला था, मैं अभी इसे साफ कर देता हूं, और एक एग्जांपल लेता हूं, सिर्फ होल नंबर तो सबसे बड़ा होगा, होल नंबर के बारे में नहीं ले रहा हूं, अभी डेसिमल के बारे में ले रहा हूं, और एक एग्जांपल ले रहा हूं, कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। सपोज 0.34
0.121, 0.01, 01, ठीक है, 0.3, 0.9, बस इतना ही। तो हमें पहला काम क्या है, हमारा पहला काम है डेसिमल, होल नंबर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। होल नंबर होता तो वो सबसे बड़ा नंबर कहलाता, ठीक है, उसको डेसिमल हटा देने से पता चल जाएगा व्हिच इज ग्रेटर। तो यहाँ पे होल नंबर कुछ नहीं है, होल नंबर के प्लेस में डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी 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 कुछ भी नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम प्लेसेस कितने हैं, देखिए मैक्सिमम प्लेसेस 1, 2, 1, मतलब ये 3 प्लेसेस है, 1, 2, 3, यहाँ पे 2 प्लेसेस, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये सबसे बड़ा प्लेस वाला है, ये 4 प्लेसेस है यहाँ पे, ये वाला याद रखिए, यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे भी एक है, तो 4 प्लेसेस करने हैं। तो यहाँ पे 3 को भी 4 करना है, 2 को भी 4 करना है, 3 को भी, यहाँ पे 1 को भी 4 करना है, 9 है मतलब 1 को भी 4 करना है। तो पहले मैं इस 4, अगर मैं 4 करना, मुझे 4 करना है, तो 1, 2, 1 के बाद 1, 0 ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं रोक में कर रहा हूँ, 1, 2, 1, 0, ये हो गया 4, इसे 4 करूंगा, 3, 4 था, 0 कर दिया, ये 4 हो गया। अभी 0, 1, 0, 1, ये तो है 0, 1, 0, 1, मतलब कितना हुआ, लेफ्ट साइड में 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसे साफ कर देता हूं अभी, ठीक है। तो 1, 0, 1 हो गया, कमा 3 के बाद 000 लगाने से ये 4, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं डेसिमल पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है और एक्सट्रीम राइट में और कुछ भी नहीं है, वहां पे आप जीरोस ऐड कर सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर विल बी अनचेंज्ड, सेम ही रहेगा। उसके बाद ये एक ही नंबर था, तो 1, 2, 3, 0 में ऐड कर दिया, तो ये सब देखिए 4 डिजिट्स वाले हो गए, सब अभी 4 डिजिट्स वाले हो गए। यहां पे भी 0 लिखने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए 0 को हटा दिया, 4 डिजिट। अभी इन्हें देख के हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा। प्लेस वैल्यू तो आपको पता है, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स पता है, तो थाउजेंड्स के प्लेस में वन टेन हंड्रेड, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड्स के प्लेस में यहाँ पे वन है, ये वाला थाउजेंड प्लेस है ना, ये वाला थाउजेंड प्लेस है, यहाँ पे थाउजेंड प्लेस में कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी तो थाउजेंड प्लेस है ना, ये भी थाउजेंड प्लेस, सबसे बड़ा एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला पहले देखो, सबसे छोटा वाला ये वाला नंबर आएगा, देखिए थाउजेंड प्लेस में जिसका जीरो है, ये वाला नंबर देखिए सबसे छोटा होगा, ये 101, ये सबसे छोटा है, 101, समझ में आ गया, ये सबसे छोटा है। तो इसके बाद ये वाला गया, उसके बाद 1, 2, 3, 4 है, ये सबसे छोटा है, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा 4 डिजिट वाला नंबर, इन चारों में से 9 तो बड़ा है, 3 तो बड़ा है, ये 3 सेम है, यहां पे 1 है, इसे पॉइंट कीजिए, यहां पे 1000 प्लेस में 1 है, बाकी यहां पे देखिए 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 9 है, मतलब ये सब बड़े हैं, 3, 3, 9, ये सब बड़े, ये सबसे छोटा है 1000 में। तो 1, 2, 1, 0, 101 से थोड़ा सा बड़ा है। अभी इन दोनों में से कंपेयर करना, 9 तो सबसे बड़ा है, क्लियरली हमें दिखाई भी दे रहा है 9 सबसे बड़ा है, बाकी इन दो नंबर्स में 1000 प्लस में 3 है, तो यहां पे 1000 प्लस में 3 है, यहां पे भी 3 है, 1000 प्लस में अगर यहां पे भी 3 है, 1000 प्लस में अगर यहां पे भी 3 है, पता नहीं चलेगा व्हिच इज ग्रेटर। अभी 10th प्लेस, 100th प्लेस को देखते हैं, ये वाला 100th प्लेस है, 100th प्लेस में इसका है 4, यहां पे 100th प्लेस में कौन है, 0, यहां पे है 4, यहां पे 0, तो क्लियरली 4 इज ग्रेटर देन 0, इट मींस द नंबर 3400 इज ग्रेटर देन 3000, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 3000 इसके बाद आएगा, इसके बाद कौन सा वाला आएगा जिसके साथ इसे हम कंपेयर किए थे, 3400, ये तो हो गया, कमा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा वाला नंबर ये तो बैठा है यहां पे, ये बैठा है सबसे बड़ा है, ठीक है, ये बैठा था इसलिए, तो मैं यहां पे इसे अभी असेंडिंग ऑर्डर में सजा चुका हूं वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। तो अभी वैल्यूज के हिसाब से मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में तो सजा दिया, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आपको समझाने के लिए मैं यहां पे रोफली किया था। तो अभी अगर इसे आप सजाएंगे तो 101 जो है तो ये वाला नंबर होगा, इसका मतलब 0.0101 व्हिच इज लेस देन 1210, मतलब 0.121 व्हिच इज लेस देन 3000, मतलब 0.3 व्हिच इज लेस देन 0.34 व्हिच इज लेस देन 0.9, ये वाला आपका आंसर होगा,
समझ में आ गया अभी? तो बहुत आसान है। उसी तरह अगर इसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहे हैं तो वाइस वर्सा कर दीजिए, 0.9 को यहां पे ले आते हैं, व्हिच इज ग्रेटर देन 0.34, व्हिच इज ग्रेटर देन 0.3, व्हिच इज ग्रेटर देन 0.121, व्हिच इज ग्रेटर देन 0.0101। फिनिश्ड। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और कुछ मैं लेके आऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरा बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं दिल से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। आप अगर थोड़ा थोड़ा देख के पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, इसका मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर नहीं होने वाला। मैं क्या भगवान भी आके अगर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो भी पढ़ाई नहीं होगा। देखिए, पढ़ाई एक साधना है, इसे आपको ही करना है। हम सिर्फ आप लोगों को पाथ शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप इस रास्ते से जाइए, बस चलना तो आप ही को है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस मोर, लर्न मोर एंड बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, ठीक है। थैंक यू।